तो फ्रेंड्स, अगर आप APS की काम करते हैं या फिर किसी भी बैंक की CSP ID लेकर काम करते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखिएगा। मार्केट में इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फर्जी हो रहे हैं। कोई आपको बैंक के नाम पर कॉल करता है, कोई कंपनी के नाम पर आपको कॉल करता है और आपसे कुछ जानकारी मांग ली जाती है, या फिर किसी भी तरह का कोई लिंक, कोई मैसेज आपको देती है और उस पर आप क्लिक करते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं। इतने सारा फ्रॉड यहाँ पे लगातार हो रही है, लगातार आप वीडियो देखते हो, लगातार आप न्यूज़ देखते होंगे, इसके बाद भी आप गलतियाँ कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से सावधानी आपको बरतनी है ताकि आने वाला समय में आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो सके। नमस्कार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इसके भी ऑनलाइन वाला। अगर आप कैश लेन देन करते हैं, आपके वॉलेट में पैसे होती है, तो इन सब बातों से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए। आपको इस सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कोई लोग आपको बैंक के नाम पर कॉल कर देते हैं, कोई कंपनी के नाम पर आपको कॉल कर देते हैं, किसी भी तरह से फुसला के बहला के आपसे कोई डिटेल्स पूछ लेती है, लिंक या SMS के माध्यम से आपका सारी जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेती है और बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ जाती है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके वैलेट से कुछ दिन पहले ही 20,000 रुपया कट गया था और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि सर, इस तरह से घटना हमारे साथ हुई है। मैंने उनको बोला कि ये सब बात से आपको बिल्कुल अनजान होना चाहिए था, क्यों ये सब चक्कर में पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर, वो बताया था कि मैं कंपनी की इम्प्लॉयज हूँ, मैं कंपनी से ही आपको कॉल कर रहा हूँ। अब बताइए कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी यहाँ पर कर रहे हैं। कोई अगर चोर आपको कॉल करके बोले कि मैं चोर हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, मुझे आपके वैलेट से पैसा काटना है, ऐसा कोई कॉल करके बोलेगा क्या? चोर कोई ऐसा बोलता है क्या कि मैं चोरी करने वाला हूँ? वो आपको किसी भी तरह के बात में बला सकते हैं, फुसला सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है। चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक में काम कर रहे हो, वैलेट में ज़्यादा पैसा आप मत रखिए। अधिकतर कंपनियाँ जो हैं 25,000 रुपये तक का सेटलमेंट चार्ज 5 रुपये लेती है, और फिनो पेमेंट्स बैंक में भी अगर 25,000 तक सेटलमेंट करेंगे तो आपको 5 रुपये ही लगने वाली है। तो अगर 25,000 आपके वैलेट में हो जाती है तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, ज़्यादा पैसा मत रखिए। हालांकि यहाँ पे बैंक हो चाहे कंपनी हो, बिल्कुल सिक्योर रहती है, लेकिन गलतियाँ आप कर देते हैं। अगर आपको अनजान व्यक्ति कोई मेल कर देता है उस पर क्लिक कर देते हैं, कोई मैसेज कर देता है उस पर क्लिक कर देते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई कॉल कर देता है बैंक या फिर अधिकारी के नाम पर, या फिर कंपनी से बोलता है कि मैं कंपनी की इम्प्लॉयज हूँ और उसको आप जानकारी शेयर कर देते हैं, कोई लिंक देता है उस पर क्लिक कर देते हैं, तब जाके मतलब कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे तो ही आपके पैसा जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप अनजाने में कोई गलती कर देते हैं तो आपके वैलेट में पैसा कम रहेगा, तो आपको पैसा कम जाएगा, दुख आपको कम होगी। सपोज कीजिए कि 50,000 रुपये आपके वैलेट में पड़ा हुआ है और आपकी बुद्धि काम ना की, किसी भी तरह का कोई ऐसा कॉल आ गया, किसी भी तरह का कोई ऐसा मेल आ गया और उस पर आप अनजाने में क्लिक कर देते हैं या फिर किसी भी तरह की गलती कर देते हैं, तो 50,000 रुपये आपको चला जाता है। लेकिन आपके वैलेट में अगर पैसा कम होगा तो कम जाएगा। हालांकि मैं तो यही आपको कहूँगा कि ये सब चक्कर में बिल्कुल आपको पड़ना ही नहीं है, क्योंकि जिसको आप नहीं जानते हो आपको अगर कॉल करता है या फिर किसी भी तरह के मैसेज भेजता है या किसी भी तरह का कोई लिंक देता है, कोई ऑफर देता है, तो ये सब चीज़ों में आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल आप इसको इग्नोर कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई कॉल होता है तो उसको बट कट कर दीजिए, उससे बात करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कोई मैसेज आता है तो उसको आप रिप्लाई ही मत दीजिए, उसको पढ़िए ही मत। कोई ईमेल आता है तो उसको आप रिप्लाई ही मत दीजिए। जिसको आप नहीं जानते उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी गलती की वजह से आपके पैसे चले जाएँ। तो सबसे पहले तो यही आपको करना है कि आप सेटलमेंट करते जाएं, जैसे जैसे हो सके तो आप 20,000-25,000 पे सेटलमेंट कर लें, ज़्यादा पैसा आप मत रखें। दूसरी चीज़ कि आप पर डे अपनी पासवर्ड को चेंज करें। आपका पासवर्ड या पिन जो भी है जिसके माध्यम से आप लॉगिन करते हैं, उसको पर डे हो सके तो पर डे आप उसको चेंज कीजिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई लिंक हो जाता है, कोई आपकी पासवर्ड को चोरी कर लेता है, कोई जान लेता है, तो आप पासवर्ड इस तरह से चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम होती है। और किसी भी तरह के कोई ऐसा कॉल आती है, कोई आपको OTP मांगती है, तो बिल्कुल आप उससे दूर रहें। मार्केट में इतने ज़्यादा फ्रॉडर भरे हुए हैं, रोज का उनका धंधा है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है बात करने का कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो फर्जी कर रहे हैं मेरे साथ, और उनकी बातों में आप चले आएंगे। जब वो आपसे बात करते हैं ना, चाहे मैसेज हो चाहे कॉल हो, तो आपकी बातों से उनको पता चल जाता है कि आप उनकी चंगुल में आ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये सब जो काम कर रहे हैं ना, कैश आपके वैलेट में पैसे हो, आपके अकाउंट में पैसे हो, तो इन सब बातों से बिल्कुल आप दूर रहिए। किसी भी तरह का कोई कॉल आती है, आपको कॉल करता है सामने से, किसी भी तरह के कोई ऑफर आपको देता है, या फिर किसी भी तरह के कोई आपको जानकारी मांगता है, ईमेल मांगता हो, फिर एड्रेस पूछ रहा हो, किसी भी तरह का कोई हो, तो आप उनको साफ मना कर दीजिए। कई मैसेज आपने ये भी देखा होगा कि जियो की 1 करोड़ यूजर होने की खुशी में 499 वाला रिचार्ज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है। बताइए इस तरह के इतना बेवकूफ़ी लोग यहाँ पे इतना बेवकूफ़ हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। और उस लिंक पर आप क्लिक भी कर देते हैं,
क्लिक करते हैं और आपको रिचार्ज नहीं मिलता, फिर उस लिंक पे एक नोटिफिकेशन आती है कि अगर रिचार्ज आप चाहते हैं तो चार लोगों को और फॉरवर्ड कीजिए। फिर आप क्या करते हैं, चार लोगों को और फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर उन चार लोग भी ट्राई करते हैं, उनका भी रिचार्ज नहीं होता, फिर उन लोग भी चार लोगों का फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लिंक बनाया है ना, वो सिर्फ आपको यहाँ पर डाटा एकत्रित करने के लिए इस तरह से कर रहा है, या फिर अपनी जो साइट है साइट को प्रमोशन कराने के लिए। जैसे आपको रिचार्ज का लालच दे दिया, आप उस पर गए क्लिक किए, फिर आपसे कुछ नहीं हुआ, फिर आप लोगों को भेजेंगे, फिर वो भेजेगा, इस तरह से उसको हजारों करोड़ों में यूजर हो जाएंगे। तो इस तरह से, और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ये भी नुकसान हो सकता है कि अगर उसकी लिंक पे आपने क्लिक करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, जैसे मोबाइल नंबर डाल दिया, अपने एड्रेस डाल दिया, या फिर आपकी जो ईमेल आईडी था वो सारे चीज़ डाल दिया, जो आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चला गया है। और काफ़ी सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक के लाने की वजह से इस तरह से लिंक बना रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये अगर मकसद होता है कि फर्जी करने का, फ्रॉड करने का, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। किस तरह से नुकसान हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर सारी फॉर्म को भर दी, किसी भी तरह का कोई फॉर्म था, चाहे रिचार्ज का हो, चाहे बहुत सारे तो यहाँ पे लैपटॉप का भी ऑफर देते हैं कि लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, कोई आपको टी शर्ट का देते हैं कि 2000 का टी शर्ट 500 मिल रहा है। तो इस तरह के लालच जो भी बनाई जाती है, ये सब लिंक से दूर आना है। अगर वहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, सारी जानकारी दे देते हैं, तो आपकी जो जानकारी था उनके पास चला गया, वो आपको कॉल करता है, आपका नाम भी बता देगा और आपका एड्रेस भी बता देगा। अब जब इस तरह से बात करता है ना, तो आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा नाम जान रहा है, एड्रेस भी जान रहा है, ये सच में बैंक से हो सकता है या फिर सच में कंपनी से हो सकता है, क्योंकि इसका नाम और एड्रेस मुझे कैसे पता। तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में, और इसी की वजह से डायरेक्ट वो जो आपको फ्रॉडर है डायरेक्ट कॉल करके आपका नाम ले लेते हैं और आपकी एड्रेस वगैरह भी बता देते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल रियल है, वो फेक नहीं कर सकता। और लास्ट में क्या होती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाती है। तो खासकर इस तरह का जो काम आप कर रहे हैं ना, APS चला रहे हों या फिर CSP चला रहे हों, तो ऐसे लिंक से बिल्कुल आपको दूर रहना है। तो किसी भी तरह की लिंक हो, लिंक पर तो बिल्कुल आपको क्लिक करना ही नहीं है, क्योंकि लिंक पर क्लिक करने से आज नहीं तो कल आपको नुकसान ही होगा, कोई फायदेमंद होने वाले नहीं है। और इस तरह की कोई ऑफर अगर होती है, जियो का रिचार्ज अगर फ्री मिल रहा है, तो जियो की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी, कॉल करके या फिर मैसेज करके आपको बता देंगे, या फिर उसकी खुद वेबसाइट होती है बड़े बड़े कंपनियों का, तो अपनी वेबसाइट भी नोटिफिकेशन दे देगा। अगर मान लीजिए कि हमारा चैनल है, हम अपने चैनल पर अगर आपको बता दें कि 200 रुपया में फ्री पेमेंट में किसी CSP ID दे रहे हैं, तो हम अपने चैनल पर बताएंगे ना, या फिर हमको पता होना चाहिए ना, तो डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आपको बोलता है कि SKB ऑनलाइन वाला के चैनल पे फिनो पेमेंट्स बैंक की ID 200 रुपये मिल रहा है, आप उसकी बहकावे में आ जाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। अगर हम इस तरह के कोई ऑफर दे रहे हैं तो डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए, या फिर हम अपना जो ग्रुप है या फिर जो हमारा चैनल है उस पर हम डालेंगे, उसके माध्यम से आपको बताएंगे, तो थर्ड पार्टी के बातें में आने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो इस तरह से बेवकूफ़ी आप जानबूझ के कर देते हैं, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि किसी भी तरह की कोई अनजान ऑफर, चाहे व्हाट्सएप पर आपको दे रहा है, चाहे फिर मेल के माध्यम से दे रहा है, चाहे कॉल करके दे रहा है, तो उनको आप कोई भी रिप्लाई मत करें, क्योंकि जरूरत आपको नहीं, जरूरत उसको है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही आप सबको कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कॉल, ऐसे मैसेज, ऐसे मेल या फिर किसी भी तरह कोई आपको लालच देने की कोशिश करता है, खुद वो क्यों ना बोले कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं या फिर मैं कंपनी का अधिकारी हूं, फिर भी आप उसकी बातों में ना आए, किसी भी तरह कोई शेयर ना करें, किसी भी अनजान लिंक पे आप क्लिक ना करें, ताकि आपकी जो वैलेट है, आपकी जो पैसा है, बिल्कुल सिक्योर हो। नहीं तो अगर एक बार चला गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है उसको वापस लाने का।